अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ पुली। हमने पुली का टॉपिक स्टार्ट किया था, उसकी टाइप्स आज हम डिस्कस करेंगे। टुडे योर डायरी इज लर्न क्वेश्चन नंबर टू। टाइप्स ऑफ पुली, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पुली, फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली। पुली की दो टाइप्स होती हैं, फिक्स्ड पुली। फिक्स्ड के नेम से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस तरह की पुली जो मूव नहीं कर रही, एक जगह पर फिक्स होगी। हम इसको पहले डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे। दिस इज अ फिक्स्ड पुली। इस केस में हम रोप को ग्रूव में से पास करते हैं, यानी कॉर्ड को हम पास करेंगे एक सुराख में से जो एक एच पर मौजूद होगा, या फिर आप कह सकते हो एक डिप्रेशन में से, नैरो कटिंग में से, कोई भी आप नेम दे सकते हो, उसमें से हम कॉर्ड को पास करेंगे। इस व्हील में से हम इसको पास कर देंगे रोप को, और जो एक्सल है इसका वो फिक्स होगा एक सपोर्ट के साथ। इसलिए हम इसको कहते हैं फिक्स्ड पुली, क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी, जिस जगह पे मौजूद है उसी जगह पर रहेगी। जब हम कॉर्ड को पास कर देते हैं, अब इसके एक एंड के साथ हम लोड को टाइट कर देते हैं। इसके एक एंड के साथ हम वजन बांध देंगे और दूसरे एंड को हम फ्री छोड़ देते हैं। उस एंड पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, वन एंड लोड टाइट एंड अदर एंड फोर्स अप्लाइड टू लिफ्ट लोड, और दूसरे एंड पर हम फोर्स को अप्लाई करते हैं ताकि हम लोड को लिफ्ट कर सकें। जब हम इस एंड पर फोर्स अप्लाई करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो लोड मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी अगर हमें किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है, तो हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में लोड मूव करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिक्स्ड पुली बेसिकली यूज की जाती है अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ये अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। फोर्स और लोड दोनों एक डायरेक्शन में मूव नहीं करते। फोर्स हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, तो लोड अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। आप इस डायग्राम में इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मूवेबल पुली। मूवेबल पुली, मूवेबल मीन्स डैट कैन मूव, यानी इस तरह की पुली जो मूव कर सकती है, जो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है, वो मूवेबल पुली कहलाती है। इस डायग्राम के थ्रू हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मूवेबल पुली जो है वो अपनी डायरेक्शन को, अपनी पोजीशन को बेसिकली चेंज कर रही है। मूवेबल पुली के केस में हम देखते हैं कि एक हुक लगी हुई है इस पुली के साथ। इस हुक के साथ हम लोड को टाई कर देते हैं, बांध देते हैं, और ये मूवेबल पुली इस लोड के साथ मूव करती है। हम रोप के एक एंड को किसी सपोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं और फिर इसको हम पास करते हैं मूवेबल पुली में से, और दूसरा एंड फ्री होता है। जब हम फोर्स को अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हम इस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो लोड और मूवेबल पुली दोनों उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। फोर्स की डायरेक्शन और लोड की मूवमेंट की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। दिस काइंड ऑफ पुली हैज अ हुक टू टाई द लोड। इस तरह की जो पुली होती है, जो मूवेबल पुली है, उसमें हुक यूज की जाती है लोड को टाई करने के लिए, बांधने के लिए। मूवेबल पुली मूव्स विद लोड। मूवेबल पुली मूव करती है लोड के साथ। रोप इज अटैच्ड टू सम सपोर्ट। रोप को अटैच कर देते हैं हम किसी सपोर्ट के साथ, वेल पुली मूव, लेकिन पुली क्या करती है, मूव करती है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड लोड इज सेम। फोर्स की डायरेक्शन और लोड की डायरेक्शन एक ही होगी। अगर आप इस साइड पर लेकर जाना चाहते हो मूवेबल पुली को, आप इस डायरेक्शन में मूव करोगे, तो उसी डायरेक्शन में लोड भी मूव करेगा। इस तरह से फोर्स की डायरेक्शन और लोड की डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगी। इस डायरेक्शन में अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो लोड को, तो फोर्स को भी आपको इसी डायरेक्शन में अप्लाई करना होगा। टाइप्स ऑफ पुली, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पुली, फिक्स्ड पुली एंड मूवेबल पुली। आपने पेज नंबर 92 ओपन करना है बुक से। फिक्स्ड पुली, द एक्सल ऑफ दिस पुली इज फिक्स्ड विद सम सपोर्ट। ये इस तरह की पुली है जिसमें एक्सल फिक्स्ड होता है किसी भी सपोर्ट के साथ। द लोड इज टाइड ऑन वन एंड ऑफ रोप। एक एंड पर हम लोड को टाई कर देते हैं, विच इज पासिंग ओवर द पुली, और ये रोप पुली में से पास करती है। द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अदर एंड ऑफ रोप टू लिफ्ट द लोड, और फोर्स को हम अप्लाई करते हैं दूसरे एंड पर ताकि हम लोड को लिफ्ट कर सकें। अ फिक्स्ड पुली इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम फिक्स्ड पुली को यूज करते हैं। फोर्स की डायरेक्शन और लोड की मूवमेंट की डायरेक्शन चेंज होती है इस केस में।
movable pulley. This kind of pulley has a hook to tie the load. The movable pulley moves together with the load. Load के साथ move करेगी. In this kind, the rope is attached to some support. Rope को हम किसी support के साथ attach कर देते हैं. While pulley moves, और pulley move करती जाती है. A movable pulley does not change the direction of force. Force की direction को change नहीं करती. The applied force and the load move in the same direction. Force और load दोनों एक ही direction में move करते हैं. Now open your notes. Question number 2. How can we use wheel and axle? Wheel and axle को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं? Wheel and axle के topic को हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं. मैंने आपको काफी explain कर दिया था. I hope आपको समझ आ गई होगी. Wheels are used in simple machine called wheel and axle. Wheels को हम use करते हैं wheel and axle में. A wheel and axle consist of large wheel fixed to a smaller wheel called the axle. लार्ज व्हील फिक्स्ड हुआ होता है स्मॉल व्हील के साथ. व्हेन द व्हील टर्न, जब व्हील टर्न करता है तो एक्सल भी उसके साथ साथ टर्न करता है. अ व्हील हैज बिगर डायमीटर देन दैट ऑफ द एक्सल. व्हील का डायमीटर एक्सल के डायमीटर से बड़ा होता है. वी यूज व्हील एंड एक्सल इन टू वेज. हम दो तरीके से व्हील एंड एक्सल को यूज कर सकते हैं. फर्स्ट वन, टू लिफ्ट अ हैवी लोड. हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए वी अप्लाई फोर्स ऑन व्हील टू टर्न द एक्सल. हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए हम फोर्स को अप्लाई करते हैं व्हील पर ताकि हम एक्सल को टर्न कर सकें. और स्पीड को इंक्रीज करने के लिए वो हम अप्लाई करते हैं फोर्स को एक्सल पर ताकि हम व्हील को टर्न कर सकें. इसके साथ में आपने एक एग्जांपल भी करनी है. स्क्रू ड्राइवर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सल. द ब्रॉड पार्ट ऑफ द स्क्रू ड्राइवर वर्क एज अ व्हील. द नैरो पार्ट ऑफ इट एक्ट एज द एक्सल. A small force on wheel provides a bigger force at the axle to push the screw into the wood. Small force हम wheel पर apply करते हैं और इसके result में bigger force जो produce होती है axle में वो use की जाती है screw को push करने के लिए wood में. Question number 2 आपने याद करना है. याद करके आपने rough copy या loose sheet पर लिखना है. Neat copy पर आपने कोई भी काम नहीं करना. जो भी काम आप करोगे उसके ऊपर आपने name लाजमी mention करना. Thank you. Allah Hafiz.